पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की पत्रकार वार्ता इस दशक की सबसे बड़ा मजाक है। पूरी कांग्रेस माफियाओं को बचाने के लिए उछल कूद में लगी हुई है और फिर दाऊ भूपेश बघेल कहते हैं कि उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ शासन के संरक्षण में 40% अवैध शराब की बिक्री की गई। कर्नाटक में 40% कमीशन का झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाले राहुल गांधी ये बताएं कि दाऊ भूपेश बघेल के 40% कमीशन के साक्ष्य मिलने के बाद कोई निर्णय लेने का साहस करेगा या अपना हिस्सा लेकर किनारे बैठेगा। ये इससे बड़ा इस दशाब्दी का मजाक नहीं हो सकता, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता जो मुख्यमंत्री ने बयान लगाया। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, 4-4.5 साल से पद में बैठे हो, मुख्यमंत्री के सारे अधिकार, बार बार में एसआईटी का गठन, हर 15 दिन में एक नया एसआईटी का गठन करने वाले मुख्यमंत्री हो, 6 साल विपक्ष में बैठ के क्या करते रहे, 10 साल कुंभकर्णी नींद्र में सोए थे क्या, 10 साल में तुमको होश नहीं आया कि शराब में 1 रुपया का भी घोटाला है? और 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता तो ये क्या 10 साल तक नींद में सोए रहते कुंभकर्णी नींद्र में और 10 साल तक खामोश रहते, कोई आरोप प्रत्यारोप 4.5 साल में नहीं लगा पाए। जब इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर, ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, आरोप लगाने के अपेक्षा तुम बताओ तुम्हारे कितने सारे एसआईटी का गठन किया। और ये प्रमाणित मामला जब न्यायालय में पहुंच चुका है, हलचल तेज हो चुकी है, भ्रष्टाचार आकंड सिर तक चला जा चुका है, अब ये बोल रहे हैं कि 4,000 करोड़ का शराब में मामला हुआ तो 10 साल बाद होश आ रहा है क्या? प्रभारी आते हैं तो कुछ न कुछ विषय को लेकर आते हैं और जो प्रदेश में हलचल हो रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका, ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया 2,000 करोड़ रुपया के शराब में और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होने शुरू हो गई। और ये वही लोग हैं जो सिंडिकेट चलाते हैं, शराब माफिया का एक सिंडिकेट अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में 30% शराब को खुलेआम, हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो शराब खुद अवैध धंधा करे, ये छत्तीसगढ़ का अकेला उदाहरण है कि जो अवैध रूप से सरकार के संरक्षण में एक सिंडिकेट 30% अवैध शराब बिचवाती है, जिसका 2,000 करोड़ तो प्रमाणित हो चुका है, प्रूफ हो चुके हैं, न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है, इससे बड़ा प्रमाण मिलने की जरूरत नहीं है। अब केंद्र सरकार को, इनके केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को इस पद में बने रहने का अधिकार है कि नहीं।